बिलाशक सही माना में दीन मिलेगा रसूल अल्लाह सल्ला वसल्लम के बाद कुरान और अहल बैत से अगर कुरान को या अहल बैत को छोड़ दिया जाए तो फिर वही दीन मिलेगा जो आज दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने का सबब बन रहा है और इस्लाम को दहशतगर्दी के मुतरद बना दिया है हमारी गुफ्तु कानवान है नमाज को काम चोरी के लिए इस्तेमाल न किया जाए और ऐसी नमाज कि जिससे लोगों का हक ज़ाया होता हो वो कतन नमाज नहीं है आम तौर पे देखने में आया है खूस गवर्नमेंट के इदारों में कि बाज़ लोग जो अपने आप को मजहबी समझते हैं जबकि वो मजहबी नहीं हैं वो बारह साढ़े बारह बजे अपने जूते उतार के चप्पल पहन कर वज़ू के नाम से टहलना शुरू करते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ और उसके बाद खाना खाते हैं फिर चाय पीते हैं और फिर कुछ बातें करते हैं यहाँ तक के असर की नमाज का वक्त हो जाता है और फिर यही सिलसिला असर की नमाज तक चलता है यहाँ तक के फिर चाय का वक्फ़ा होता है फिर कुछ काम अगर करने का दिल चाहा तो किया और फिर उसके बाद छुट्टी हो गई माह रमज़ान में देखने में आता है कि बाज़ ऑफिस दो ढाई बजे तक खुले हैं लेकिन उस दौरान काम को छोड़ दिया जाता है नमाज के लिए तो सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि अल्लाह सुबहाना हूँ नमाज वाजिब करार दी है बिला शक लेकिन एक खास वक्त में हमसे सिर्फ एक नमाज चाहिए अव्वल वक्त की नमाज बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर किसी का हक ज़ाया हो रहा हो तो फिर उसको थोड़ा सा लेट किया जाए हाँ कजा करना हराम है इसी तरीके से जमात से नमाज अच्छी बात है लेकिन अगर जमात की नमाज की वजह से काम चोरी हो रही हो या लोगों का हक ज़ाया हो रहा हो तो फिर फुरादा पढ़ी जाए और मुख्तसर पढ़ी जाए अब माह रमजान में अगर कोई ऑफिस दो या ढाई बजे बंद हो रहा हो और वहां पर लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय कि दो ढाई बजे तक उनके काम को अंजाम दिया जाए साढ़े बारह और पौने एक से वजू के लिए उठा जाए और फिर जमात से नमाज पढ़ी जाए तो यह कतन इस्लाम नहीं है बल्कि इस्लाम का हुक्म यह है कि शिया हो या सुन्नी हो ढाई तीन बजे किसी की नमाज कज़ा नहीं होती पहले आप लोगों का काम अंजाम दें उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें उसके बाद बेशक आप घर ना जाए अपने ऑफिस या उसके बाहर दो दो घंटे की नमाजें पढ़ें वो लोग के जो ऑफिसों में लंबी नमाज पढ़ते हैं लेकिन घर में तो वो बहुत मुख्तर से पढ़ते हैं तो वाजह पता चलता है कि ये नमाज को कामचोरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जर्मनी में एक वाकया पेश आया कि पांच अफराद अपने बॉस के पास गए और कहा कि हम नमाज पढ़ना चाहते हैं अब जाहिर है कि अगर दिन की ड्यूटी थी तो उनकी मुराद थी जहर और असर और अगर रात की ड्यूटी थी तो उनकी मुराद थी मगरब और शा बॉस ने सवाल किया कितनी देर लगेगी नमाजों में तो उन्होंने तकरीबन एक घंटा बताया तो बॉस ने कहा कि हाँ आप लोगों को इजाज़त है कि नमाज़ पढ़ें लेकिन जितनी देर आप नमाज़ पढ़ेंगे इसके पैसे कटेंगे पाँच अफराद में से एक फ़र्द इस काम के लिए राजी हुआ और चार ने पैसे कटवाना गवारा नहीं किया लेकिन जब तनख्वा मिली तो उस शख्स की तनख्वाह में से कुछ नहीं कटा था और उसने कहा कि आप नमाज़ पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर मालूम हुआ कि अगर उन्हें एक घंटे की छुट्टी मिल जाती नमाज के लिए तो वो नमाज़ पढ़ने को तैयार थे लेकिन अपने पैसे कटवाने के लिए तैयार नहीं थे अलबत् याद रखें कि ऑफिस में खूस इस्लाम के नाम पर लोगों को ब्लैक मेल किया जाता है कि अगर हमें टाइम नहीं दिया गया नमाज का तो हम ये करेंगे और वो करेंगे तो यहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं या जो मालिक हजरत हैं उन्हें चाहिए कि वो मुख्तलफ़ मसालिकमा को बुला पब्लिक के लिए इस बात को क्लियर करें कि आप पर एक मुख्तर तरीन नमाज वाजिब है उसके ताकिबात वाजिब नहीं हैं हाँ ये ताकिबात आप बाद में कहीं जाके पढ़ें लिहाजा हमारी गुजारिश है तमाम मुसलमानों से और खसूस अहल बहत रही के चाहने वालों से कि वह अपनी जिंदगी में हमेशा नमाज को अहमियत दें लेकिन नमाज को काम चोरी का जरिया ना बनाए नमाज बायदा पढ़ें लेकिन उस नमाज के जरिए से किसी के हक को जाया ना करें इस माह रमजान में भी इस चीज का ख्याल रखें कि अगर आप पब्लिक डीलिंग में हैं कुछ कामों को आपको देखना है साइन करना है कुछ लोगों के कामों को अप्रूव करना है तो आपकी सबसे बड़ी इबादत सारी जिंदगी की यही है और खसूस इस माह रमजान में है कि लोगों के प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा साल्व करें और तेज से तेज काम करें क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं इस गर्मी में पैसा लगा कर रोज़े के आलम में अगर ये वापस जाते हैं आपकी नमाज की वजह से तो फिर आपकी नमाज नमाज नहीं है क्योंकि किसी भी मसलक में दो ढाई बजे नमाज कज़ा नहीं होती किसी भी मसलक में अव्वल वक्त की नमाज वाजिब नहीं है और किसी भी मसलक में जमात से नमाज वाजिब नहीं है बस ऑफिसिस में मुख्तर तरीन नमाज हो और माह रमज़ान में अगर किसी को नमाज पढ़ने का शौक है तो जब काम बंद हो जाए तो उसके बाद वो नमाज पढ़े या ऑफिस में या ऑफिस के बाहर किसी पार्क में बेशक चार चार घंटे की नमाज पढ़े लेकिन किसी के हक को जाया न करे दुआ है कि खुदाबंद तबारक वाल हम सबको उस तरह से इबादत करने की तोफी खतः फरमाए कि जिस तरह से इबादत करने का हक़ है और ऐसी इबादत करने की तोफीक अतः फरमाए कि जिसमें हकुल्ला भी अदा हो लेकिन हुकुक नास पामाल न हो और ऐसी इबादत करने की तोफ़ी कदा फरमाए कि जिससे इस्लाम बदनाम न हो और जिस तरह से इस्लाम को अहल बैत से दूर लोगों ने दहशतगर्दी बना दिया है इसी तरीके से उन लोगों ने इबादत को भी इंसानों के लिए अजाब बना दिया है इबादत ऐसी हो कि जिसके बाद इंसान का दिल नरम हो इबादत ऐसी हो कि जिसमें और जिसके बाद और जिसके साथ अल्लाह सुबहान की मखलूक के हक़ को अदा किया जाए व सल् महमदम वाहरीन वल अन अजमैन इलाकयाम यूमद्दीन